साबरमती रिपोर्ट। एक सत्य को देशवासियों के सामने लाने का एक प्रयास है। अपनी कला के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री विक्रम मेसी और उनकी पूरी टीम ने जो ये सराहनीय प्रयास किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और उन सभी लोगों को जो अक्सर सत्य पर पर्दा डालने का कार्य करते हैं, देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से समाज के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वे विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। हर व्यक्ति जानता है साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे कार सेवकों, जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुठलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुठलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं, उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, यह हर उस घटना के माध्यम से होना चाहिए जो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए अक्सर अलग अलग जिम्मेदार स्तंभों के स्तर पर या राजनीतिक दलों के अंदर होते रहे हैं, वह देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही, लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है,
और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए, उन चेहरों को जो निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को, आज हमने यहां पर अपने सहयोगियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जाकर के इस फिल्म के एक शो में हम लोग भागीदार बने, और चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, ये पूर्णाहुति यज्ञ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित कार सेवकों और इस पूरे अभियान को पूर्णाहुति तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा था, तो द साबरमती रिपोर्ट इस अवसर पर और भी आवश्यक है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस अद्भुत घटना का साक्षी बना है, उन स्थितियों में उन 69 राम भक्तों के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। मैं एक बार फिर से फिल्म के एक्टर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।